ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਫੌਜੀ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ यूवी ने एक दो बारी मैं सुनेहा कर लिया कि पापा तो थोड़ा समझाओ थोड़ा जा बहुत तेज चल रहा है और रिश्तिया चो मेरी लड़ी चो जब कोई जाता है वो माड़ा चो तो मैनू ऐ लगता है मेरा दिल दे विचो रुग भरिया गया है मां नू पता है कि उहदा जिहड़ा लखते जिगर है जिन्हों ने 9 महीने कोख च रखिया वड्डा कीता है जब इस तरह जाता है किस तरह महसूस होता उस पिता को पता है। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे सर दर्शकों का स्वागत है। जिस तरीके दे नाल सिद्धू मूसेवाला जो हुण इस दुनिया विच नहीं रहे ने लेकिन अज सिद्धू मूसेवाले का जन्मदिन है। देश ने विदेशों दे विच भी अज सिद्धू मूसेवाले नूं याद किया जा रहा है। बेशक वह अज इस दुनिया विच नहीं है लेकिन उदी याद सिद्धू मूसेवाले की याद उदे गाने अज भी लोगों के जहन दे विच उस तरीके दे नाल ही जिंदा है और लोगों का अज जिस तरीके दे नाल हर कोई जरूर भावुक है क्योंकि बहुत कहा जा सकता है बड़ा ही सेंसिटिव दिन भी आप कह सकते इस क्योंकि जिस तरीके दे नाल और नहीं रहे ने क्योंकि महज कुछ दिन पहला ही गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी गई सी मर्डर कर दिता गया सीगा। साडे नाल इस वेले गल करन दे लई बड़े सीनियर मौजूद ने सर अज का दिन शायद शब्द तो नहीं है लेकिन बहुत याद जरूर आ रही है क्योंकि नहीं रहे ने। मेरे लिए जायदाद पैसे शौहरत दौलत तो ज़्यादा रिश्तों की अहमियत है और इन्नी अहमियत है कि मैं उन्होंने हमेशा रब नाल जोड़ के रखना। किसी लिए जायदाद पैसा शौहरत ये सब कुछ हो सकता है पर मैं समझदा कि रब ने इंसान बनाया उहदा घाटा जिंदगी कदे पूरा नहीं हुंदा इस करके मैं अपने रिश्तों बड़ा संभाल के रखता है कि थोड़ी जी लेकिन लखते जिगर ने सारे उहदे च एक सिद्धू मूसेवाला भी सीगा। उहदे नाल मेरा रिश्ता प्यो पुत का सी हैगा रहेगा असी इलैक्शन कट्ठे होए उस तो पहला मेरे बेटे विक्टर नाल उहदा बड़ा प्यार सी। यूवी ने एक दो बारी मैनूं सुनेहा कर लिया कि पापा तुसीं थोड़ा समझाओ थोड़ा जिहा बहुत तेज़ चल रहा है। उहदे मैनेजर नूं भी कहा सी उहने मैनूं दस्सिया पर ऑल सैड एंड डन और रिश्तिया चो मेरी लड़ी चो जब कोई जाता है वो माड़ा चो तो मैनू ऐ लगता है मेरा दिल दे विचो रुग भरिया गया है। मैं हमेशा ही ये कोशिश की है यंग जनरेशन या मेरे देश या मेरे शहर के लोग तंदुरुस्त रहन चंगे रस्ते ते चलन मैं उन्होंने गुरुआं पीरां दियां ऋषियां मुनियां दियां कहानियां सुना के उन्होंने एक सीधे राह ते सीध दे सकां। ये मिशन मेरा अज भी है और रहेगा। जवानी है बच्चा पैदा हुंदा कोरा कागज़ हुंदा जो मर्जी लिखी जाओ ते उन्हें हुजा बन जाना है। जवान मुंडे नूं सीध देनी बहुत जरूरी है और मैं बड़े दुख तकलीफ ने मैनूं जिंदगी च गल्लां कहणियां पैंदियां कि साडी जवानी नूं साढ़े वड वडेरिया ने रोलिया उन्होंने इस्तेमाल किया अपने गर्ज पिछे और उनकी जिंदगी बर्बाद कीतिया ने अपने गर्ज पिछे अपनी ताकत पिछे। बड़े सालों तो मैं देखता आ रहा और कितने जाके ठल पऊगी ये तो रब जानता पर हाँ जिन्होंने भी किया जो भी किया और जो भी हो रहा है तुसी भी एक माँ हो सकती हो
उस माँ को पता है कि वह जो लखते जिगर है जिन्हें उन्हें 9 महीने कोख च रखे व्डा किया है जब इस तरह जाता है तो किस तरह महसूस होंगे उस पिता को पता है। मैं उस माँ बाप को मिलया देखिया उन्होंने गल्लां कीतियां और तमाम लोग जिहड़े इस तरह जिंदगी गए ने और बड़ी दुख भरी गल है कि पंजाब दे विच मैनू 70 साल की उम्र हो गई मैं इस पंजाब नू बड़े डुबदे देखे उभरदे देखे अपने भरा अपने वीर अपने सज्जन अपने नू मार देने पंजाब दे लोग एक दूजे नाल ईरखा दुश्मनी किसी की सक्सैस नू बर्दाश्त नहीं कर सकते ये साढ़े खून च है। मैं बड़े साल देखते रह रहा जे किसी की शोहरत है तो किसी तो बर्दाश्त नहीं होंगी साढ़े अपन तो बर्दाश्त नहीं होंगी साढ़े पिंड के लोगों तो बर्दाश्त नहीं होंगी साढ़े रिश्तेदार तो बर्दाश्त नहीं होंगी साढ़े दोस्तों तो बर्दाश्त नहीं होंगी जे कोई जमीन तो रूढ़ी तो उठा है उन्हें अपने महल पाए ने अपना नाम कमाया है दुनिया जो दी जय जयकार है उन्हें पैसा कमाया उन्हें कोठियां पाइया हवेलियां पाइया उन्हें अपनी मेहनत खून पसीने के नाल कमाई की है। तो पाया मैनू DAV कॉलेज 45 साल हो गए तकरीबन कोचिंग करते त्रिलोकी नाच दी दे टाइम दे मैं उदू सा इतने हाँ मेरे तमाम जवान लोग आके बैठते हैं अज भी मैं उन्होंने गल्ला करदा गुरुआं पीरियां दी गल्ला सुनना उन्होंने जिंदगी हमेशा गल कहना कि दुख तकलीफ हो सकता है गरीबी आ सकती है पर जे आप सीधे रस्ते ते चलांगे इस मार्ग ते चलांगे खुदा दे मार्ग ते चलांगे तो जीवन दे विच एक दूजे नाल प्यार एक दूजे दा साथ चंगी किरत दी कमाई गुरु नानक देव जी ने कहा किरत दी कमाई कर दसौंद कढ वंड के खा इस तरह का सुनेहा मैं दिंदा रहना और बच्चों जिन्ना तुसी ये चीज़ सिखाओगे कॉलेजों दे विच यूनिवर्सिटियों दे विच पोलिटिकल लीडरस जिहड़े साडे सियासतदान मैं उन्होंने बेनती करदा कि थोनू सारा कुछ पता है थोड़ा फर्ज बनता है तुसी देश के रहनुमा हो तुसी इन्हां बच्चों नू अपने बच्चे समझ के एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे सारे अपने ही ने तू मेरी धी है की होया जो मैं तू नहीं जम्मी तो ढिड चो यह मेरा पुत है मैं इस तरह समझदा मैं हरेक च रब देखदा मैं इन्हां लोगों नू अपील करना चाहना कि तुसी इन्हां बच्चों नू सीधे राह ते क्यों नहीं तोड़दे तुसी इन्हां नू अपने गर्ज वास्ते क्यों इस्तेमाल करते हो तुसी भी किसी की माँ की पेट चो जमे हो तुसी भी किसी के पुत हो भरा हो सज्जन हो मीत हो ये चलते 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 अज जब तुसी मूसे वाले की गल की है कोई ये नहीं कि एडा जवान मैं उन्हूं प्यार नाल झोटा कहिंदा हुंदा सी जद भी असी कट्ठे सीगे पिछे इलैक्शन दे विच पहली गल तो मैं उन्हूं कहा सी यार अब तेरे मेरे बंदे नूं इलैक्शन लड़नी नहीं चाहिए मैं तो इलैक्शन नहीं लड़नी पर हाँ कुछ यहोजे लोगों मैं जरूर तुरना चाहना जिहड़े लोगों नूं मैं सेध देना चाहना उच्च नवजोत सिंह सिद्धू एक सीगा बड़ा मैं कोशिश की बहुत मैं प्यार किया बहुत उन्होंने दिसया कहा पर अल्टीमेटली गल नहीं बनी चन्नी मैं मिलया चन्नी मेरा स्टूडेंट रहा है चन्नी नाल मैं चलिया उन्होंने मैं गल कह रहा सी कि आप जिंदगी दे विच एक ऐसा मुकाम लैके आईए जिथे लोग कहन कि पोलिटिकल लीडरस बड़े चंगे है बड़े साफ है बड़े सुथरे है मैं कोशिश कर रहा जी होर बहुत सारे मिनिस्टर्स बहुत सारे MLAs बहुत सारे सज्जन मित्र जिहड़े हैगे है पोलिटिकल सिस्टम दे विच मेरी उन्होंने भी यही गल हुंदी उन्होंने बच्चों ने भी यही गल हुंदी है भी आप नहीं समझना भी अपना फादर जी मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है या जो भी है आप आपकी किरत की कमाई खानी है आपकी जिंदगी बतानी है मैं ये गल करदा करदा तो दुख मैनू जरूर हुंदा क्योंकि मैनू हमेशा यही लगता कि वो मेरे बच्चे है मेरा बच्चा चला गया मेरा आपका जिगर चला गया वो बेशक मूसे वाला है या कोई होर है या जिन कोई भी इस तरीके नाल जांदा कोई अपने देश वास्ते शहीद हुंदा है कोई अपनी कौम वास्ते शहीद हुंदा है कुछ अपनी धियां भैण की इज्जत बचाने पिछे शहीद हुंदा है अपने घर नूं बचाने वास्ते शहीद हुंदा है और लोगों वास्ते शहीद हुंदा लोगों की खुशियां वास्ते शहीद हुंदा इंसानियत वास्ते शहीद हुंदा जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी सी जिवें साडे 10 गुरु सी मैं वो चीज़ नूं जब देखदा मैं छेती करके मेरी अख नहीं भरती
पर कई बार अख दे विच एक ऐसा दुख है उस हंजू दे विच जिहड़ा दसना चाहुंदा लोकां नूं कि एक कायनात अपनी आपां सारे इकट्ठे हैं आपां एक दूजे नूं प्यार नाल इज्जत नाल बुलाईए करिए चलिए दूजे की शोहरत ते खुश होइए दूजे की तरक्की ते खुश होइए ये चीज़ां जब तक आपां नहीं कढ़ांगे अपना समाज खराब हुंदा जाऊगा। अज हिंदुस्तान पंजाब जिथे खड़ा है मित्रों ज़्यादा तुसीं बेटा जानते हो। सो मैं उहदे मदर ने कहा सीगा मेरी गलबात हुई उन्हां नाल जब मैं बैठा सी उन्हें उन्होंने कहा बाई जी जे कि तुसीं पंज क दिन पहला आ जाते तो उन्हें बहुत याद करता सी। उहदे फादर ने मैनूं कहा कहिंदे जिद्दी बड़ा हो गया सी गल नहीं सी मनदा। मैं बच्चों को कहना अपने माँ प्यो की गल सुनिया करो वो ठीक कहते बड़े कंसर्न सी शायद तुम्हें इस गल का नहीं पता जो उन्हें खेत चले जाना कल ने तो बापू ने लैके दस बंदे बंदूखा नाल लैके उसे भज के जाना जो उन्हें बाजार चले जाना तो वो पिछे जाना जो उन्हें चंडीगढ़ आ जाना तो बस चढ़ के बापू ने आ जाना। उन्हें कई बार कहना तुम क्यों बस चाहते हो गड्डी चा जाए कहते मैं ठीक हाँ। वो प्यो हमेशा ही अपने बच्चे के मगर साया साया बन के पिछे 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 घूमता रहता कि कुछ हो ना जाए उन्होंने पता सी। मेरी गल हो रही थी तो उस दिन भी उन्होंने दस रहे थे कहते गड्डिया खड़िया सी मैं क्या भी ये बंदे फोटो खिचाने वाले नहीं लगते मैनू को बंदे गैर जे लगते भी आप देख लिए तो कहते मैं एक ही गल उन्हें कही कि तुम तो बापू जी डरते क्यों फौजी बंदे ए डरते हो अपने कि कुछ कहना इस तरह नहीं होंगे। मैं बच्चों को कहना जब थोड़ा इन्ना मकाम रब थोनू दिंदा है तुसी अपनी जिम्मेदारी अपनी रिस्पोंसिबिलिटी थोड़े परिवार के प्रति थोड़े देश के प्रति थोड़ी कौम के प्रति हो जाती है धियां भैणों के प्रति हो जाती है। तुसी आप इंडिविजुअल नहीं रहिंदे तुसी दुनिया दे एक लखते जिगर बन जाने हो तो थोनू अपने आप को संभाल के चलना चाहिए। जब दीप सिद्धू की गल हुई उदों भी मैं उन्हें बड़ा समझाया सी मैं बेटा एक तो नाप तोल के बोलिया करो एवं नहीं मूँह चक के बोली जाइदा हुंदा एक समा समा समरथ वही अर्जुन के तीर वही अर्जुन का रथ एक वक्त विचारे सो बंदा होए एक गुरु पीर साढ़े कह गए है वक्त नूं विचारना चाहिए वक्त कैसा चल रहा है उस वक्त के हिसाब न चलना चाहिए। सो मैं बेटा अल्फाज मेरे को है नहीं पर मैं दुख पड़ा उन्होंने मदर ने उस दिन कहा रुख लाने अज असी पंचकूले गए से अज ती उ बूटे लाए है तो मैं बेनती करके आया अवंतिका तवर जी मेरे नाल से मेरी बेटी है वो भी मेरा रिश्ता बेशक मैं उन्होंने जन्म नहीं दिता पर मेरा वो परिवारिक संबंध है कोई पिछले जन्म का तो मैं कह सी बूटे नूं संभालियो जरूर ये बूटे अपन पंजाब के शहीदों की मूसेवाले की हर उस धी भैन की इज्जत की राख्या की एक बड़ा वड्डा दरख्त बनेगा तो छां देगा। सो मैं बड़ा बेटा कुछ कह नहीं सकता बट सर तुसी गल करी कि समा एक बहुत बड़ी चीज़ है उसके फादर मदर उसको अक्सर समझाते होंगे सी और उस दिन भी अक्सर कह रहे सी सिस्टम दी भी तुसी अज गल कीती है कि राजनीतिक किते ना किते होई है और चीज़ां वास्ते यूज की भी गल हुई तमाम तुसी चीज़ां कही कारण सब तो वड्डा क्या मानते हो पोलिटिकली एक्टिव हो जाना या फिर फेम हो जाना क्या मेन थोड़े एज पर योर एक्सपीरियंस मतलब व्यूज जो तुसी नाल रहे हो विचरे हो उस दे नाल समा कढ़िया है मिलते रहे हो अक्सर तुसी क्या तो अक्सर याद भी करते रहते सी क्या मानते क्या हो असल च क्योंकि देखिए राजनीति तो की जा रही है हालांकि लॉ एंड ऑर्डर लैके भी कई सवाल सरकार के उपर खड़े किए जा रहे हैं तमाम अजिहे चीज़ा सामने निकल के आ रही हैं सरकार का कुछ पक्ष है विरोधी धिर क्योंकि विरोधी धिर का काम तो होंगे सरकार को घेरना तमाम चीज़ा लेकिन तुसी किस उस ना वेखते हो साड़ी एक बड़ी समस्या है इस देश की हरेक बंदा सरकार नूं कहेगा साढ़े लिए की किया देश ने साढ़े लिए की किया असी गरीब हाँ सरकार कुछ नहीं कर दिया लीडर कुछ नहीं करते। मैं बड़ी बार ये सवाल किया है जो लीडर ने सरकार ने यह भी तो अपने चो पैदा हो पार्ट ऑफ अस थोड़ा की फर्ज है देश के प्रति मैं अपनी गल कर मैं अपने देश के लोगों सीधे राह ते पावां मैं अपना एक बेटा पैदा किया उन्हें बनाया देश वास्ते कुर्बान होने चला गया मेरा फर्ज सी
मैं देश नूं की दे रहा है, ये जरूरी है। मैं पिछले 50 साल तो DAV कॉलेज दे विच तमाम अकैडमियां चला के बच्चे पैदा कर रहा, उन्होंने क्रिकेटर्स बना रहा, चंगे इंसान बना रहा, चंगे बिजनेसमैन बना रहा। 30-40 हज़ार बच्चा इस दुनिया दे विच जय जयकार हिंदुस्तान की हो रही। मैं अपनी रखवाली खुद कर रहा, रिस्पोंसिबिलिटी खुद है। मैं नशे क्यों कर रहा, मैं इंडिविजुअल आदमी की कर रहा, मैनू की करना चाहिए, यह सीखा है। ये पोलिटिकल सिस्टम का तो पोलिटिशन का कोई हाथ नहीं है। तुसी जे अपनी जिंदगी किस भाव बेचना चाहते हो, बेशकीमत बनाना चाहते हो जिसकी कोई कीमत ना हो, या तुसी आलूआं दे भाव बेचनी है या मिट्टी के भाव बेचनी है, थोड़ी अपनी चॉइस है। मैं मानता कि गरीबी बड़ी है, लेकिन कुछ लोग गरीबी रह के बड़े खुश ने, क्योंकि जिंदगी दे विच वो पायदान ते चलते हैं जिहड़े गुरुआं पीरां दे दसे हुए ने। हर चीज़ आप सिस्टम की गल करते हैं, सिस्टम बनाया कि नहीं है, असी बनाया। मैं लोगों को पूछना चाहना, थोड़ा की फर्ज बनता है कि आप उठ के कोई गल होंगी सरकार को घेर लें, कोई गल होंगी लीडर को घेर लें, कोई गल होंगी है तुम मीडिया को घेर लें, कोई गल होंगी है तुम ये गल कर रहे, तुम अपने आप में कभी देखे तुम कितने खड़े हो? थोड़ी याद होगा जब मैं किसान अंदोलन से गल कहता, इस सारे फर्ज सरकार के तो मीडिया के ने, थोड़ा फर्ज कोई नहीं। तुम आप की कर रहे हो, तुम आप अपने गिरेबान झाती मार के देखो तुम कितने खड़े हो, तुम आप तमाम काम कर रहे हो जिन्हें करके तुम लोगों को रिस्पोंसिबल ठहराने। मैं इस गल नहीं मनता, जब तक हर इंडिविजुअल आदमी अपने देश नाल, अपनी कौम नाल, अपने लोगों नाल दिलों मुहब्बत प्यार नहीं करेगा, जब तक उन्होंने सारे च रब नहीं दिसेगा, वो कंप्लेंट ही करता रहेगा। भगवंत मान कल आया, अजे उन्होंने 2 महीने नहीं हुए कुर्सी पर बैठे, तुसी उहदे गल पै गए, फॉर वॉट? उन्होंने टाइम दिओ, तुसी लैके आंदा, चूज़ किया, आप सारे लैके आए हो, मीडिया एवरीबडी इज़ रिस्पोंसिबल। 1 साल 2 साल 3 साल टेन्योर दिओ, 1-5 साल का, फिर देखांगे की बनता है। आफ्टर ऑल कुछ तो अपन करना पैना। पर मैं समझदा कि असी लोग ना ब्लेम गेम बहुत खेडते हैं, ब्लेमिंग अदर्स। मैं इस गल च बिलीव नहीं करता, मैं की किया, मैं सोसाइटी वास्ते की किया, मैं देश वास्ते की किया, वो इंपॉर्टेंट है। तो अज आखिरी सवाल है सर, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले की याद, क्योंकि अहम दिन है, जन्मदिन अज है, हालांकि इस दुनिया में नहीं रहे ने, माँ बाप दे लई जाहिर है, और तुसी इस चीज़ का दुख समझ सकते हो, जो तुहाडा बेटा ट्रीटमेंट दे लई गया सीगा, एक डर एक बाप का जिहड़ा हुंदा सी, वह समा भी तुसी देखिया है, हालांकि नाउ ही इज़ फाइन एंड ही इज़ फिट, बट सिद्धू मूसेवाले अगर आप गल करते हैं तो शायद तुसी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। सी जे तुसी यूवी की गल करते हो तो जो बीमार होया देश वास्ते खेल रहा सी, और जो देश वास्ते खेलता खेलता अपने देश लिए अपने लोगों लिए कुर्बान भी हो जाता, तो मैं बड़ा फख्र महसूस होता। और मैं खुशी इस गल की है कि उस बच्चे ने मैनू अल्फाज कहे कि पापा मेरा देश का गौरव, मेरे लोगों का गौरव मेरी जिंदगी में ज़्यादा प्यारा है। एक होर गल है, मानसिक बाप होने के नाते शायद मैं किसी को शो नहीं किया, पर हाँ मैं खुदा ये जरूर कहता सी कि होनहार बच्चा है देश के दे काम आना चाहिए। मूसेवाला भी उदों का प्यारा है, मैनू बड़ी जय जयकार दुनिया च, और जिहड़े जिस तरह के गाने प्रमोट हो रहे हैं, मैं भी ये दिलों गल कहना कि की तुसी रोमांटिक गाने नहीं लिख सकते, कुछ चंगे जिहड़े लोग ने उन्हां बारे गाथावां लिख सकते हो, हरी सिंह नलूआ गा सकते हो, अकाली फूला सिंह गा सकते हो, होर गा सकते हो, शहीद भगत सिंह गा सकते हो। सानू जिंदगी हर चीज़ हथियार क्यों दिखते हैं? हाँ मैं मानता कि थोड़े को वैपन जड़ा है वह अपनी सैल्फ डिफेंस वास्ते गुरु साहब दे गए, जे तुसी हो या थोड़े को वैपन नहीं है, सरकार को वैपन देना चाहिए हरेक नूं, पर सैल्फ डिफेंस वास्ते गरीब दुरबे की सेवा करने वास्ते एक धी तुरी जाती है, उन्होंने किसी 10 बंदे ने फड़ लिया, तुम वास्ते मर जाओ, कुरबान हो जाओ, उसकी इज्जत बचाओ, आई कैन अंडरस्टैंड। पर मेरे हिसाब न जोड़े यंग जनरेशन हूँ जी चल रही है, स्पेशली साड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जी, ये बहुत सारे लोग, मैं बच्चों को कहा हौली चलिया करो, किसी की वड्डी कोठी देख के वो निगाह नहीं मारनी, अपनी झुग्गी बहुत सोहनी है, अपना साइकिल बापू का बड़ा प्यारा है, जूदी की मर्सडी है वो नहीं देखनी, हौली हौली मेहनत करो आ जाएगी। सो आई थिंक बहुत सारिया चीज़ा जड़िया ने फास्ट ट्रैक पर चल रही है।
बहुत तेज़ चल रही है ज़िंदगी, और जिंदगी जी तेज़ चलेगी ना वो छेती एक्सीडेंट होएगा। सो मैं तो सिर्फ यही गल कहना चाहना बेटा कि हाथ जोड़ के बेनती है सारे जवानों कौम देश को इकट्ठा रखो, आप देश वास्ते काम करो, अपनी रख्या खुद करो। क्यों तुसी हर चीज़ा सरकारा ते छुटते रहने, उन्होंने अपना काम कर लैन दो। कोई जो बीजेगा वो कट्टेगा, ठीक है। जो कुछ होया थोड़े पिछे तुसी देख लिया, जिन्हें जिन्हें लीडर ने जो जो किया उन्होंने की हाल है थोड़े सामने, तुसी मैनों बैटर जानते हो क्योंकि उन्होंने बीजिया सी, उन्हें वो कट रहे हैं। सो जो तुसी बीजोगे कट्टोगे, चंगा बीजो ताकि खुदा भी खुश रहे, कौम भी खुश रहे, और आप सारे खुशहाल जिंदगी बिताइए। बस मेरा तो यही मैसेज। थैंक यू सो मच। तो साढ़े गल करने योगराज सिंह जी जिन्होंने बोलिया है कि मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि लोग खुश रहन, लेकिन अज का दिन जरूर दुखदाई है क्योंकि इस दुनिया में सिद्धू मूसेवाला तो नहीं, लेकिन उसकी याद रही दुनिया तक रहेगी दिलों के बसी। कैमरामैन बिंदेश के साथ अमनप्रीत कौर, रोजाना स्पोक्समैन चंडीगढ़।